हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू। एग्जाम आई क्यू की इस वीडियो में झारखंड सामान्य ज्ञान से एक महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं। तो कौन सा टॉपिक है? तो इस टॉपिक है झारखंड के प्रमुख स्टेडियम जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से एक सवाल पूछा ही पूछा जाता है। तो झारखंड के प्रमुख स्टेडियम से एक सवाल पूछा जाता है और एक सवाल पूछा गया मतलब 3 नंबर आपका फिक्स होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ है। तो एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ पे है, आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो रांची में स्थित है, तो रांची आंसर हो जाएगा। दूसरा अगला स्टेडियम देख लेते हैं, जयपाल सिंह स्टेडियम। जयपाल सिंह स्टेडियम की बात की जाए कहाँ पे है, तो जयपाल सिंह स्टेडियम जो है रांची में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा रांची। एस्ट्रोटर्फ और जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में है। अगला स्टेडियम कौन सा है? अगला स्टेडियम है मेकन स्टेडियम। मेकन स्टेडियम कहाँ पे है, तो आंसर इसका क्या होगा? तो मेकन स्टेडियम भी रांची में स्थित है, तो मेकन स्टेडियम भी रांची में है। अगला स्टेडियम क्या है? बिरसा स्टेडियम। बिरसा स्टेडियम कहाँ है, तो बिरसा स्टेडियम भी रांची में स्थित है। तो अभी तक रांची में 4 स्टेडियम देख चुके हैं, कौन? एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची, जयपाल सिंह स्टेडियम रांची और मेकन स्टेडियम रांची, और अब देख रहे हैं बिरसा स्टेडियम भी रांची में है। और जे एस सी ए क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, तो जे एस सी ए क्रिकेट स्टेडियम जो है रांची में स्थित है। तो रांची में अभी तक 5 स्टेडियम देख चुके हैं, कौन कौन सा? जे एस सी ए क्रिकेट स्टेडियम रांची, बिरसा स्टेडियम रांची है, मेकन स्टेडियम रांची, जयपाल सिंह स्टेडियम रांची और एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची। अगला आप सवाल देख लेते हैं, जे आर डी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो जे आर डी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो जे आर डी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ पे है, आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर, तो जे आर डी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में स्थित है। और जमशेदपुर झारखंड के किस जिले में है, तो जमशेदपुर झारखंड के जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो जे आर डी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में स्थित है। अगला स्टेडियम क्या है? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम की बात की जाए तो ये कहाँ है, तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जो है ये भी जमशेदपुर में है। तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर आंसर हो जाएगा। तो जे आर डी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर। अगला स्टेडियम देख लेते हैं, और जो किनन स्टेडियम है कहाँ पे, ये झारखंड का अति महत्वपूर्ण स्टेडियम है। तो किनन स्टेडियम जो है कहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या होगा? किनन स्टेडियम जो है झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। तो किनन स्टेडियम कहाँ पे है, जमशेदपुर में। और किनन स्टेडियम का पुराना नाम क्या था, तो किनन स्टेडियम का पुराना नाम टेम्पल गार्डन था, तो सही आंसर हो जाएगा टेम्पल गार्डन। तो किनन स्टेडियम का पुराना नाम टेम्पल गार्डन। और एक अगला स्टेडियम देखते हैं, शताब्दी स्टेडियम। शताब्दी स्टेडियम जो कहाँ है, तो आंसर क्या होगा? तो शताब्दी स्टेडियम जो रांची में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा रांची, शताब्दी स्टेडियम रांची। और एक झारखंड के वीर सिपाही के नाम पे रखा गया है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है, तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला में। तो झारखंड के गुमला में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है। अल्बर्ट एक्का कौन थे, तो अल्बर्ट एक्का झारखंड के पहले परमवीर चक्र विजेता जो 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे, तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में स्थित है। अगला स्टेडियम देख लेते हैं, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है, तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है झारखंड के बोकारो जिले में है, तो सही आंसर हो जाएगा बोकारो। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, बोकारो। और इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम की बात की जाए कहाँ पे है, तो दुमका। और दुमका झारखंड क्या है, दुमका जो है झारखंड का उप राजधानी है और दुमका में ही हिजला मेला लगता है। तो इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है, दुमका में, और दुमका झारखंड का उपराजधानी है। अगला स्टेडियम की बात कर लेते हैं, तो करजन ग्राउंड। करजन ग्राउंड कहाँ है, तो करजन ग्राउंड जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। तो हजारीबाग जिले में करजन ग्राउंड है, और हजारीबाग जो है झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी है। तो करजन ग्राउंड कहाँ है, हजारीबाग, और डिगुआडी स्टेडियम है। पर अगला स्टेडियम है डिगुआडी, जो डिगुआडी स्टेडियम कहाँ पे है, तो डिगुआडी स्टेडियम जो है धनबाद जिले में स्थित है। धनबाद, तो सही आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद जो है भारत की कोयला राजधानी है, डिगुआडी स्टेडियम धनबाद में है। अगला स्टेडियम की बात करें तो एक बार फास्ट ट्रैक में स्टेडियम की देख लेते हैं, डिगुआडी स्टेडियम कहाँ है, धनबाद में।
करजन मैदान कहाँ है? तो करजन मैदान या करजन ग्राउंड जो हजारीबाग जिले में स्थित है। इंडोर स्टेडियम कहाँ है? इंडोर स्टेडियम जो है दुमका में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो बोकारो जिले में स्थित है। अगला स्टेडियम की बात करें तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो कहाँ पे है, तो आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला जिले में है। शताब्दी स्टेडियम कहाँ है? तो शताब्दी स्टेडियम जो है रांची जिले में। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में, और किनन स्टेडियम का पुराना नाम टेम्पल ग्राउंड था। और मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम की बात की जाए तो कहाँ पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर में है। और जे आर डी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी जमशेदपुर में है। JSCA क्रिकेट स्टेडियम रांची में है। बिरसा स्टेडियम रांची में है। मेकन स्टेडियम रांची में है। जयपाल सिंह स्टेडियम भी रांची में है। और एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची में है। ये थे झारखंड से स्टेडियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जितने भी स्टेडियम हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो अगर एक सवाल पूछे जाते हैं और 3 नंबर इसका वैल्यू होता है, तो जितने भी सवाल रट लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रिपरेशन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।